सो वेलकम ऑल ऑफ यू ए एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक अनदर टॉपिक लिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एंड वर्किंग रूल रिड्यूस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे और एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बने रहे इस लेक्चर के साथ, सभी पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं, पहले हमारे पास एक प्लेन ए बी सी है जिस पर कि एक एन पॉइंट है, वो एन इज द कोई एक पॉइंट है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, एज्यूम किया। तो लेट ओ एन बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ए बी सी। ए बी सी हमारा जो प्लेन है, ए बी सी, ये जो प्लेन बना हुआ है यहाँ से, इस पर जो हमारा है ये ए बी सी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है आपका ए बी सी प्लेन पर ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ओ एन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हमारे पास है, एल एम एन है, ठीक। अब हम एज्यूम करेंगे टेक एनी पॉइंट पी, टेक एनी पॉइंट पी पी ऑन द प्लेन, जो प्लेन हमारे पास है उसमें एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे। तो टेक एनी पॉइंट P X Y Z ऑन प्लेन एंड ज्वाइनिंग P टू N, P टू N को ये आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका इस पर 90 डिग्री रहेगा। तो PN इज़ अ परपेंडिकुलर आर ON एंड ON इज, ये जो ON है आपका, ON जो है आपका है, ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, OP का, इस OP लाइन का इस पर प्रोजेक्शन है, सिंपल सिंपल वर्कआउट। तो बस आपने एक फार्म अभी हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन हमारे पास जो P है और OP हमारे पास क्या है, इसको P एज्यूम किया है। और अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा कि L X2 माइनस X1 प्लस M Y2 माइनस Y1 एंड प्लस Z माइनस Z1 इंटू N, जब डायरेक्शन टू पॉइंट्स का, प्रोजेक्शन ऑफ टू पॉइंट, ठीक है, हुज डायरेक्शन, और उस लाइन, दैट लाइन का अगर आपका डायरेक्शन कोसाइन गिवेन हो, तो उस केस में हमारा प्रोजेक्शन जो होता है ये पी, तो पी अब इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए पी इज इक्वल टू एल एक्स टू माइनस, तो एक्स माइनस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो है, तो एक्स टू एक्स माइनस ज़ीरो प्लस एम वाई टू माइनस ज़ीरो प्लस एन जेड टू माइनस ज़ीरो जेड माइनस ज़ीरो। तो जो प्रोजेक्शन पी है, पी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, एल एक्स प्लस सॉरी वाई टू के जगह वाई होगा, एम वाई एंड प्लस एन जेड। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म मिल जाएंगे जब उसके डायरेक्शन यदि कोशाइन आपके गिवेन हो, एल एम एन, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन गिवेन हो। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म जो प्लेन का होगा, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म ये आपका होगा, ठीक है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक। ये तो वर्कआउट इसका हो गया। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन सिंपल दिया हो प्लेन का, ठीक है, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, ये मान लीजिए वन है, टू बी ए इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, वेयर ए बी सी के बारे में आप पता है, ए बी सी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ए बी सी क्या आपका है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो अब इसको हमें क्या करना है, हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट एल बाई ए एम बाई बी टू एन बाई सी होता है आपका इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है आपका। तो बस इसी पर अब फोकस आउट कर लेना है आपको सिंपल। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, और एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, प्लस माइनस इसको ले लेंगे तो वन सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये मिल जाएगा आपका। एंड जो लास्ट में हमारा पी की वैल्यू बात करेंगे, और पी बाई डी भी तो आ जाएगा हमारा यहीं से, सो पी बाई डी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, माइनस पी अपॉन डी, ठीक, ये वर्कआउट मिल जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ये माइनस डी वाला कंसेप्ट हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से ये रिजल्ट हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, प्लस माइनस या जो भी है, प्लस माइनस तो है ही और इससे साथ ही माइनस है, ठीक है। चूँकि पी हमारे पास डिस्टेंस होता है तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अब एलिमेंट की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एन, ठीक है, एल एम एन की वैल्यूज को रख दीजिए, एल एक्स है, एम वाई है, एन वाई इज इक्वल टू पी पुट कर दीजिए, एल जो है, एल कितना है हमारे पास, ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स, प्लस ये हो गया बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट वाई, प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नॉट पी, दैट इज द डी, माइनस डी अपॉन दिस। एक बेसिक प्रॉब्लम जिसको कि हम कर लेंगे। तो अब वर्किंग रूल पे हम बात करेंगे, अब देखिए ये तो वर्कआउट हो गया, तो हमें अब इसका वर्किंग रूल लिखना है, सिंपल। तो वर्किंग रूल जो हम कैसे लिख पाएंगे, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्कआउट में हम आते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई गिवन प्लेन है, ठीक है, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। अब रिड्यूस हमको करना है, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस ऑफ रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस
एन जेड इक्वल टू पी, इस फॉर्मेट में इसको रिड्यूस करना है आपको। तो सिंपली क्या करेंगे हम, देखिए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट मीन्स ए बी सी, ठीक, ये आपका वन है, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई होल स्क्वायर एंड प्लस कोफिशियंट ऑफ जेड होल स्क्वायर, बस ये हो गया आपका। तो ये डिवाइड कर देना है सिंपल, और फिर डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा उसमें कर दें कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बस आपका ये वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे वर्कआउट। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा जिसको कि हम कर पाए, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं करके। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, प्लेन x माइनस टू वाई माइनस टू जेड इक्वल टू 12 इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक, इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द डायरेक्शन कोशाइन ऑफ द प्लेन ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए क्या वर्कआउट हो सकता है, इसके बारे में फाइंड आउट हमें करना है। तो सिंपल जो लॉजिकल दिया हुआ है इसके बात करते हैं, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, सिंपल, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है इक्वल टू 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी, ये वन टू, वन एंड टू का कंपेरिजन कर दीजिए तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस टू एंड डी इज इक्वल टू माइनस 12, कंपेयरिंग ठीक है, कंपेयरिंग कर रहे हैं आप इसका, सिंपल। कंपेयरिंग अब हमें क्या करना है, हम फाइंड कर लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 हो गया ये, ठीक। तो बस अब हमें इससे डिवाइड करना होता है तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ
साइड बाय 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे डिवाइड कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/3x माइनस 2/3x माइनस 2/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू 12/3। ठीक, और अब इससे इसकी तुलना, हमें डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। कंपेयर कर दीजिए तो l इज इक्वल टू 1/3, m इज इक्वल टू माइनस 2/3, n इज इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक है, एंड p की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो यूज करके हम फाइंड आउट कर पाएंगे और रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको कि हमने किया है। सो टेक केयर, थैंक यू।